थकावट हो रही थी आज, खुद को बहुत पुश करना पड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, और क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे फ्लो ज़्यादा है, मतलब क्योंकि मेरा पीरियड चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया था मेरा तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ रहा है एक्सरसाइज के लिए। और पंखा बंद है, पंखा चला देती हूँ। और फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और आज हम लोगों का डे 12 है, 12 दिन स्टार्ट हो गया है, और आज 12 दिन स्टार्ट हो गया है, और मैंने आज का जो एक्सरसाइज है थोड़ा अपने आप को पुश किया, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मुझे, और जैसे कि मैंने बताया था मेरा अभी तक पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा तबीयत ढीला है, इसीलिए ही खुद को पुश किया। और पहले मैं सोच रही थी कि शाम को एक्सरसाइज करूँगी, अभी थोड़ा सा वर्क कर लूँगी, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया है, मतलब मैंने सोचा कि खुद को मतलब स्ट्रांग नहीं करूँगी तो और कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी जस्ट 12 डेज ही हुआ है और बहुत दिन बाकी है। 25 डेज में मतलब मिनिमम और 2 महीना बाकी है, तो अभी से अगर मैं टायर्ड हो गई, अभी से ही मैं अगर मुझे पुश करना पड़ेगा तो यार नहीं बन पाएगा, इसीलिए ही मैं आज खुद को पुश की, और चलो जितना भी हो पाए, क्योंकि आज तबीयत ख़राब था, ये भी मेरा जेन्युइन रीज़न है। रात को मैं सो नहीं पाई ठीक से, और हार्डली मैंने 2 घंटा का नींद लिया होगा, और सुबह से मैं खाली ऐसे हो रही हूँ कि कब सो जाऊँगी। तो फिर अपने आप को पुश किया कि नहीं, और मुझे मतलब भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने वर्कआउट से पहले एक एप्पल ले लिया था, और सुबह मैंने डिटॉक्स ले लिया था। अभी वैसे आप लोगों को बताऊँ, मैं 11:30 हो चुका है और अभी मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ, और कोई अगर भूख लगेगा तो ककड़ी ले लूँगी, और ककड़ी और कुछ मतलब चना, ये सब चीज़ें ले लूँगी। और लंच के लिए मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है लंच क्या बनाऊँगी, और आज का वीडियो स्टार्ट नहीं किया था तो सोचा कि वर्कआउट करके बाद ही मैं आज का दिन स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों के साथ। और 11 दिन तो बहुत अच्छे से चला गया, आज डे 12 है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आफ्टर लंच अगर मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी, 1 घंटे का नींद ले लूँ ना, उसके बाद मुझे बहुत एक्टिव लगेगा, मुझे पता है, और मैं करूँगी 2.5 महीने आराम से हम लोग करेंगे, जैसे करके भी करेंगे। 75 डेज का चैलेंज हम लोग जैसे करके भी कंप्लीट करना ही है। तो यही सोच के मैंने आज अपना एक्सरसाइज ख़त्म किया है, और अभी जाती हूँ, थोड़ा सा सो जाती हूँ, और नाश्ता अभी, क्योंकि मैंने एप्पल ले लिया था मतलब वर्कआउट से पहले, तो अभी अगर भूख लगेगा थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद एक एप्पल ले लूँगी, और एक ठीक है, तो एप्पल चलता है, 2-3 चलता है, आप एप्पल खा सकते हो, कुकम्बर ये सब चीज़ें खा सकते हो, फ्रूट्स में कोई मना नहीं है, तो फ्रूट्स खा सकते हो। तो मुझे, मैं देखूंगी, ग्रेप्स खाऊंगी, नहीं तो एप्पल खा लूँगी थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों से मैं मिलूंगी मतलब लंच करने टाइम में, क्योंकि अभी आज जो मैं अपलोड करने वाली हूँ वीडियो, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे और आधा घंटा टाइम चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद फिर अपलोडिंग में मुझे आधा घंटा लग जाएगा, तो 1 घंटे का मिनिमम टाइम चाहिए, तो उसके लिए मैं जल्दी से अभी फटाफट से जाती हूँ, उसको कंप्लीट करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, और ज़रूर मेरी वीडियोज़ देखिए, और आप लोगों से अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। ऑमलेट है, दाल चावल, तो थोड़ा सा मैंने चावल लिया है, 2 अंडे का ऑमलेट है, और ये दाल है, तो ये मेरा लंच है। और अभी मैं कोई मूड में नहीं थी कि लंच करूं करके, इतना सोई हूँ, अगर वरुण ने फ़ोन नहीं किया होता ना, तो मैं पूरा सो जाती, एक साथ शाम को ही उठती शायद, इतना नींद आ रहा था, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी फ्रेंड्स। मैं जैसे ही मैंने वर्कआउट ख़त्म किया, 10-15 मिनट के बाद फिर से और एक एप्पल खाया, क्योंकि वर्कआउट से पहले भी मैंने एक एप्पल खाया था, तो उसके बाद एक एप्पल खाया, और उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा फ्रेश होके आ गई ना, मुझे इतना नींद आया, मैं नींद से उठ उठ के ना अपना अपलोड कर रही थी, और जो आज मुझे वीडियो अपलोड करना था, तो इतना नींद है भाई, क्या करूँ मैं।
तो अभी बहुत हिम्मत करके नहीं, अगर अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी तो रात को मैं प्रॉपर अपना खाना नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि दूध होता है या फिर कोई सैलेड होता है, नॉर्मल से खाना होता है तो भूख लगेगा फिर, और फिर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अभी जो कर रहे हैं, जैसा चल रहा है उसको चलना ही पड़ेगा वैसे, क्योंकि स्टिक रहना पड़ेगा। और फिर बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं ऐसे उठी हूँ, और ये खाना क्योंकि दाल चावल था घर पे और अंडा ऑमलेट मैंने अभी बनाया है, और वैसे तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, लेकिन खाएंगे भाई, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी खाना नहीं खाए तो फिर आज का खाना कैंसिल, तो इसीलिए खाना खाना पड़ेगा। गर्म है बहुत। ऑमलेट भी अच्छा बना है। मैं जो ऑमलेट बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, और मुझे पसंद है थोड़ा सा, मतलब मस्टर्ड ऑयल का स्मेल ना जाए, थोड़ा थोड़ा उसका स्मेल आए। और अंडे के साथ ना मैं बहुत सारा वेजेस डालती हूँ, जैसे कि टमाटर, एक टमाटर पूरा डालती हूँ, एक प्याज डालती हूँ अच्छे से, धनिया और मिर्ची डालती हूँ, तो मुझे ना ये सब मिक्स करके ही मुझे अपना ऑमलेट पसंद है। मैं जब खाली ऑमलेट भी खाती हूँ तब भी मैं ये सब चीज़ें मिक्स करती हूँ। तो अभी मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ फ्रेंड्स, को खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ अपने इवनिंग के टी या फिर डिटॉक्स पीऊँगी। आज मैंने सुबह डिटॉक्स नहीं बनाया है, थोड़ा सा बनाया था जो आज सुबह सुबह पी लिया, और अभी शाम को पता नहीं क्या पीऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। मौसम इतना अच्छा था कि आप लोगों के साथ बिना शेयर किए मैं कैसे रह सकती हूँ। पूरा क्लाउडी और कबूतर देख रहे हो आप सब लोग, जैसे एक साथ बैठ के मीटिंग जमा के बैठे हैं। और यहाँ पे मेरा, मैं प्लांट्स भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, मतलब देखना, एंजॉय करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो के उठी हूँ लेकिन ये सब देख के ना मैं पूरा फ्रेश हो गई हूँ। और भी एक चीज़ दिखाना है आप लोगों को, अभी मैंने आज ही ये पूरा झाड़ निकाला है, ये सब चीज़ें जो साइड में रखा हुआ है, जो मेरा चेरी टोमेटो का जो पेड़ था ना, उसमें काफ़ी सारे, मतलब उसका जो डटनियाँ ना वो सूख गया था, तो उसको निकाला मैंने काट के, और देख रही हूँ कि और भी फूल आ गए हैं अभी, मतलब और भी फल आने बाकी है। इतना इस साल इसने, मतलब इतना हम लोगों को फल दिया है ना इसका। तो बाहर क्या मस्त हवा चल रहा था, तो इवनिंग का टाइम है और बाहर बहुत अच्छा हवा चल रहा था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं, इसीलिए शूट कर दिया। और रूम थोड़ा अंधेरा है तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट नहीं लगाया है, शाम भी हो गया है इसीलिए अंधेरा हो गया है, सो गई थी इसीलिए ऐसे दिख रही हूँ, और सोई हूँ पूरा एक घंटा से ऊपर सोई हूँ, डेढ़ घंटे के आसपास, तो मस्त नींद आई है मुझे। और देखती हूँ अभी क्या पीऊँगी, देखती हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय। और सोच रही थी कि डिटॉक्स पीऊँ लेकिन मैंने छाछ बना लिया है, क्योंकि मेरे घर पापा आए हुए हैं, और पापा आ गए थे काफ़ी टाइम से, हम लोग बैठ के बस उनके साथ, मुझे भी मन किया कि मैं आज डिटॉक्स ना पी के इसको पी लूँ छाछ, किसको मन नहीं करता, चटपटा लगता है तो सबको अच्छा लगता है। वरुण के जैसा नहीं हुआ था लेकिन ट्राई किया मैंने कि थोड़ा भी अच्छा लगे। और मेरा ग्राइंडर भी ख़राब हो गया, तो इसको मैंने ना हाथ से ही मिक्स किया है पूरा अच्छे से, उसको झाग करके ना पियो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसको काफ़ी टाइम तक ना मैं विस्क
करती रही और पापा के साथ बहुत सारी बातें हुई। और अच्छा लगता है जब पापा आके बैठते हैं, मम्मी आती हैं तो मेरे मतलब घर पे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी दो तीन दिन से मैं बहुत लोनली फील कर रही थी, तो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मम्मी काफ़ी दिनों से नहीं आए हैं घर, और वही मैं पापा के साथ बोल रही थी कि क्यों नहीं लेके आए मम्मी को करके। और आज मैं वॉक के लिए गई नहीं हूँ, अभी जाऊँगी, 7:30 हो गया है और मैंने छांस ले लिया है अभी, तो रात को और दूध पीऊँगी या नहीं आए नहीं पता मुझे, क्योंकि मन किया अभी पापा के लिए बना रही थी तो मुझे बहुत मन किया। और मम्मी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब भिजवा दी हैं पापा के हाथों, तो जितना मैं ख़त्म करती हूँ उतना आ जाता है। और ढेर सारा एप्पल, मैंगो, ये सब चीज़ें आ गया है। और मम्मी ने कुछ कुछ बनाया था तो सब्जी वब्जी लेके आ गए हैं, तो कल मेरा हो जाएगा। और अभी तो फिर चलते हैं, रात को और लेट नहीं करेंगे और थोड़ा वर्क करके आ जाते हैं। और वहाँ पे तो अंधेरा होगा तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, तो नीचे आके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी बहुत टाइम पहले ही, मैं रूम में आ गई थी और छत पे जाके अपना वर्क करके एक घंटे से ज़्यादा ही वर्क किया होगा। और आजकल रोज़ ही मेरा एक घंटे से ज़्यादा ही होता है वर्क, जो कि मुझे अच्छा लगता है जब तक मैं चाहती हूँ ना मेरा बॉडी। आज मैंने वही आज किया कि जब तक मेरा बॉडी थक ना जाए ना तब तक मैं चलती रहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से मैं बैठ जाती हूँ, तो क्योंकि अगर बॉडी नहीं थकेगा ना फिर नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा ना तो फिर मेरा कल का जो दिन है ना वो मेरा बहुत गंदा जाता है यार। आज मेरा बिल्कुल ख़राब गया है, फर्स्ट हाफ तो बहुत ख़राब गया है। शाम को जो सो के उठी हूँ ना, मतलब 5 बजे मैं उठ गई थी, 5:30 तक, तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मतलब जब पापा आए थे उस टाइम से मुझे एक्टिव लगा थोड़ा सा, उससे पहले तो खाली नींद नींद नींद। मैं आज वीडियो अपलोड की हूँ, नींद नींद में ही अपलोडिंग हुआ है मेरा। तो अभी का जो डिनर है, डिनर मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैंने छास ले लिया था, जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को, पापा आए हुए थे तो उनके लिए भी छास बनाया था, तो मैंने भी अपना ले लिया। और वरुण के जैसा तो नहीं बना था लेकिन कोशिश किया, ठीक ठाक बना था। तो उसको एक गिलास लेने के बाद, और मुझे मन नहीं कर रहा है कुछ खाने के लिए, तो पानी वानी भी पी लिया है अभी वर्क करके आके, और अभी फिर से प्यास लग रही है, थोड़ा सा और पानी पी लेती हूँ। और काफ़ी दिन हो गया मैं गर्म पानी नहीं पी रही हूँ, तो अभी गर्म पानी भी पीना स्टार्ट कर देंगे। आज का मेरा पानी 3 लीटर हो गया है, अगर सुबह का डिटॉक्स और छास ये सब मिलाओगे तो 3 लीटर से ज़्यादा हो गया है। ऐसे टाइम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना चाहिए, मतलब पानी वानी थोड़ा सा ज़्यादा पीना चाहिए। मेरा मोबाइल का बैटरी भी जो है ना बहुत लो हो चुका है, तो इसको भी मुझे चार्ज पे बिठाना है। और आज का ये मैंने वीडियो भी आज एंड नहीं किया था, आज हमारा डे 12 बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने इसको भी एंड कर दिया, तो कल हमारा डे 13 होगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और एक एक लाइक तो बनता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग देखते हो, एक लाइक करने में क्या जाता है, ना पैसा जाता है ना कुछ जाता है, तो एक एक लाइक कर दीजिएगा। और आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।